बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का कौमी परचम अक्वामे आलम के झंडों में अपनी मिसाल आप है। इसमें दर हकीकत मुल्क पाकिस्तान की रूह झलकती है। ये परचम जब तमाम मुल्कों के झंडों के दरमियान लहरा रहा हो तो नुमाया नज़र आता है। पाकिस्तानी परचम इस्लामी उमंगों का अमीन है। इसका सरकारी नाम परचम सितारा ओ हिलाल है। मोहतरम नाज़रीन, मज़ीद तफसील बयान करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल दिलचस्प खोज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं और मेरी इन वीडियोस को शेयर भी करें। पाकिस्तानी परचम दो रंगों सब्ज़ और सफ़ेद इसे पर मुश्तमिल है और इस पर हिलाल और सितारा पाकिस्तान की तरक्की का रोशन सितारा है। सब्ज रंग तीन हिस्से और सफ़ेद रंग एक हिस्सा है। सब्ज रंग मुसलमानों और सफ़ेद रंग अकलियतों के लिए है। सफ़ेद रंग का चांद तरक्की और पांच कोनों वाला सितारा रोशनी की अलामत है। इसको जब इमारतों पर लगाया जाता है तो इस परचम का साइज़ 4 इंच x 6 इंच होता है और इसके अलावा 2 इंच x 3 इंच साइज़ का भी होता है। इस झंडे को कैद आदम की हिदायत पर सैयद अमीरुद्दीन कुतुबाई ने मुरतब किया। इस परचम को 11 अगस्त 1947 को अपनाया गया और इस झंडे की सरबुलंदी के लिए अगर हमें जान व माल की कुर्बानी भी देना पड़े तो दरेग न करें, क्योंकि जिंदा कौमें हमेशा अपने परचम को सरबुलंद रखती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा ये परचम हमेशा सरबुलंद रहे और हम इसकी हिफाजत करते रहें और इसके लिए हमेशा जान की कुर्बानी देने के लिए भी अगर हमें देनी पड़े तो हम उसके लिए जान की कुर्बानी भी दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।